हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राधिका केड़कर हूँ। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों में जो प्रॉब्लम्स पाई जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों में एक बहुत साइकियाट्रिस्ट के पास बहुत सारे पेरेंट्स एक कंप्लेंट लेके आते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ध्यान नहीं देता और पढ़ाई में पीछे है, नंबर नहीं आते, मार्क्स नहीं आते और जैसा परफॉर्मेंस चाहिए, स्कूलास्टिक जो परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं है। तो इस चीज़ के पीछे क्या क्या कारण हो सकती है? बहुत सारे पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको उनके उनके बहुत एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि अपने बच्चों ने कितने मार्क्स मिलाना, फर्स्ट आना, सेकंड आना, फर्स्ट फाइव में आना, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना। पर ये जब नहीं होता तो पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमारी सलाह लेने को आते हैं। तो तब मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं ये मैं आप सबको बताना चाहूँगी। अगर जो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने आज ये वीडियो डाला है। तो उसमें क्या क्या कारण हो सकती है? फर्स्ट है कि इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटेलेक्चुअल लेवल अगर कम होगा तो उस व्यक्ति से उतना काम होगा ही नहीं, उतनी पढ़ाई होगी ही नहीं। ये जानना, ये समझ लेना और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी का लेवल ही नहीं है वो काम कैसे करेगा। तो ये जानना और एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है हर एक पेरेंट के लिए कि अपने बच्चे का लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसे क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है लर्निंग डिसेबिलिटी। बहुत सारे बच्चे ये फेस करते हैं बट इसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे कि तारे ज़मीन पर ये मूवी आई थी कुछ सालों पहले, उसमें जो बच्चा दिखाया गया था वो जो प्रॉब्लम्स फेस करता है, ऐसे ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग फेस करते हैं। उनको लिखने में प्रॉब्लम आता है, पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आता है, तो उस कारण के वजह से वो पीछे है पढ़ाई में। पर ये बात अगर किसी पेरेंट को पता नहीं है तो वो बच्चे को कोसता है कभी, या फिर बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रखता है जो कि बराबर नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है डिप्रेशन हो सकता है बच्चे को। डिप्रेशन इज़ अ कॉमन थिंग फाउंड इन चिल्ड्रन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कि अगर डिप्रेशन है क्या। चौथी चीज़ है ADHD, जिसे बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब अटेंशन की कमी होती है बच्चे में, अटेंशन नहीं तो बच्चे का ध्यान नहीं लगता, वो ध्यान नहीं दे सकता, वो दे नहीं रहा ये बात नहीं है, पर वो दे नहीं सकता, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो साइकेट्रिस्ट के पास आप अगर जाएंगे तो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो। फिफ्थ थिंग इज सोशल फोबिया या फिर स्कूल फोबिया, एंग्जाइटी प्रॉब्लम। मतलब बच्चे को डर लगता है, अननोन थिंग्स का डर लगता है, तो ये जो एंग्जाइटी है वो पहचानना ज़रूरी है। और आप कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं और उनकी सलाह दे सकते हैं। हम अकोला में प्रैक्टिस करते हैं एट केड़कर हॉस्पिटल। हम सारी मानसिक बीमारियों का हम यहाँ पे पेशेंट्स देखते हैं, उसके साथ बच्चे भी आते हैं, तो बच्चों की भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं फिर बाद में आऊँगी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।